इस बीच आपको बड़ी खबर है, हम जानकारी दे दें जो कि बिहार की सियासत से जुड़ी हुई है। चिराग पासवान का बड़ा बयान इस बीच सामने आया है, हाजीपुर में मैं चुनाव लड़ूंगा या मेरी मां, इसका फैसला पार्टी करेगी। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हाजीपुर लोकसभा सीट से हमारी पार्टी चुनाव जरूर लड़ेगी, पिता के वजूद का हिस्सा रहा है हाजीपुर, इस नाते मैं हाजीपुर सीट छोड़ नहीं सकता हूँ। आपको बता दें कि बिहार में वैशाली के हाजीपुर सर्किट हाउस के पास स्वर्गीय रामविलास पासवान की 77वीं जयंती समारोह मनाई जा रही थी। सांसद चिराग पासवान, मां रीना पासवान, बहन समेत अन्य परिवार के सदस्यों ने स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मैंने आज सुबह पिताजी का एक वीडियो देखा जिसमें मेरे पिता रामविलास पासवान जी कहते दिख रहे थे कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बेटा चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि घर का बेटा आगे बढ़ता है, ऐसे में कौन चाहता है कि घर का बेटा बाहर से चुनाव लड़े। तो वहीं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की 77वीं जयंती समारोह के मौके पर काफी तादाद में पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी समर्थक मौजूद रहे। मेरा घर रहा है, परिवार रहा है, बच्चे के तौर पर यहाँ पर आता रहा, पिता ने हाजीपुर को अपनी माँ माना, तो ये मेरा उत्तरदायित्व बनता, मेरी जिम्मेदारी बनती है। आज पापा होते तो पापा भी यही चाहते। आज सुबह मैंने उनका एक वीडियो शूट किया, तो वीडियो में भी वो यही कह रहे थे कि मैं चाहता था कि चिराग हाजीपुर से चुनाव लड़े। तो जरूर हाजीपुर मेरे पिता के लिए सब कुछ रहा, उनकी पहचान रहा, उनके वजूद का हिस्सा रहा, तो ऐसे में उनके जाने का हाजीपुर को मैं छोड़ ही नहीं सकता। अब ये एक इस पर फाइनल फैसला पार्टी के संसदीय बोर्ड को लेना है, देखिए पार्टी क्या अंतिम फैसला लेती है।